डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ आस ऑफ टूडे इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और असमानताओं में कमी, परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से भी ज़्यादा शायद। इट इज़ रीजनल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ये रीजनेबल है। इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये तर्कसंगत है कि हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करें, कम करें, आर्थिक निराशा को कम करें। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री विल हैव ए शेयर एंड लीड ए बेटर लाइफ। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ तक कि अगर कोई कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करता है, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री विल हैव ए शेयर एंड लीड ए बेटर लाइफ। तो क्या वेल्थ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कि सभी सिटीजन्स देश के जो हैं वो एक विल हैव ए शेयर, उनका सभी नागरिकों का शेयर हो और सभी नागरिक जो हैं बेटर लाइफ लीड करें। एज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज ए कंपेन बाई इंक्रीज इनक्वलिटीज अमंग द पीपल। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक बढ़त, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डेमोक्रेसीज में, वो क्या लोगों के बीच में असमानताओं से एक कंपेन है जुड़ी हुई है, बढ़ती हुई असमानताओं से एक कंपेन है जुड़ी हुई है, या डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन गुड एंड अपॉर्चुनिटी। क्या डेमोक्रेसी जो है केवल एक गुड्स और अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का मीन्स है? डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है राजनीतिक समानता पर आधारित है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी जो है वो राजनीतिक समानता पर आधारित है और सभी इंडिविजुअल्स जो हैं उनको बराबर का वेटेज है। दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो अपने प्रतिनिधि चुन सकें। पैरल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग, और सभी लोगों को, सभी इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल एरिना में लाकर, राजनीतिक दृश्य में लाकर समान रूप से, ऑन एन इक्वल फुटिंग, समान रूप से लाकर जो है वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। जो तो हम ये पाते हैं कि जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानता पाते हैं, अगर हम सभी लोगों को, सभी इंडिविजुअल्स को इस प्रक्रिया के तहत जो है समान रूप से राजनीतिक दृश्य में लाया जाए, तो हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है। ए स्मॉल नंबर ऑफ द अल्टर रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, और एक स्मॉल नंबर ऑफ अल्टर रिच पीपल्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच पीपल्स हैं, वो हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर जो है वो ऊंचा शेयर जो है वेल्थ का और इनकम का इंजॉय कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ना केवल ये वेल्थ और इनकम का डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, और उनका जो है देश की टोटल इनकम में उनका शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दो एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो समाज के लोग जो हैं बॉटम पे हैं, वो उनको बहुत कम में ही डिपेंड होना पड़ रहा है, अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और उनकी जो है इनकम
डे बाई डे दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, उनकी डिक्रीजिंग हो रही है इनकम उनकी. समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज द फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ. और कभी कभी जो है वो अपने को अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी डिफिकल्टी महसूस करते हैं. बेसिक नीड जैसे जीवन के बेसिक नीड्स जैसे रोटी, फूड, क्लॉथिंग, हाउस, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और हेल्थ जो है, जो कॉमन पीपल्स हैं दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स. और अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में, मीट पूरा करने में डिफिकल्टी पाते हैं. इन एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन में डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज. वास्तविक जीवन में लोकतंत्र जो है वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में कम करता हुआ सफल प्रतीत नहीं हो रहा है. इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक, और क्लास 9th में जो इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक थी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, आपने जो है भारत में गरीबी के बारे में अध्ययन किया है. द पुअर कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स, पुअर जो है वो वोटर्स का एक लार्ज प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, और कोई पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इट विल नॉट लाइक टू लूज देयर वोट्स, और उनके वोट को लूज करना नहीं चाहती. येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इसलिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार, डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू. और कोई भी जो है तो भी जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है वो पॉवर्टी के क्वेश्चन को एड्रेस करती हुई लगती नहीं है और इच्छुक नहीं है, जैसे कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इट मस्ट एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इसकी आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी वो पॉवर्टी में रहती है. पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई. और यहाँ तक कि लोग जो हैं सेवरल कंट्रीज में, दो या रिसाइडिंग इन पुअर कंट्रीज, दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज, वो रिच कंट्री पर डिपेंडेंट हैं इवन फॉर फूड सप्लाई. यहाँ तक कि अपने फूड सप्लाई के लिए भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज.